हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता अग्निहोत्री अपने चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे भरवा करेले, पर उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो भरवा करेले बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है हम देख लेते हैं। हमें चाहिए करेला, यहाँ पे हमने आधा किलो करेला लिया है। इनको हमने पहले छील लिया है करेलों को, उसके बाद में हमने इनको नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था और फिर अच्छे से वॉश करके, और ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट किया है। एक साइड से ये देख रहे होंगे पूरा करेला पूरा एक साइड से जुड़ा हुआ है और यहाँ से हमने इस तरह से लंबा लंबा इसको कट किया है और जितने भी अंदर इसमें बीजे थे वो हमने निकाल दिए हैं। चार बड़े प्याज, एक बड़ा आम यहाँ पे हमने लिया हुआ है कच्चा, दो चम्मच पिसी हुई धनिया, दो चम्मच पिसी हुई सौंफ, थोड़ी सी हरी मिर्च हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने चार से पांच हरी मिर्च लिए हैं, एक चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, पिसी लाल मिर्च, एक चुटकी हींग और थोड़ा सा ऑयल चाहिए हमें करेलों को तलने के लिए, जो कि ऑलरेडी हमने पहले से कढ़ाई में डाल के रखा है। तो आइए शुरू करते हैं भरवा करेला बनाना। सबसे पहले हम प्याज और जो कच्चा आम हमने लिया है और हरी मिर्च ली है इसका एक हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये प्याज हमने इसमें जार में डाल दिए, साथ ही साथ ये कच्चा आम भी हम डाल देंगे और ये हरी मिर्च। अब हम इनका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए प्याज का हमने आम का जो भी पीसा था उसका पेस्ट बना के रख लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जो हमने एक चम्मच हल्दी ली हुई थी ये डाल देंगे, पिसी हुई धनिया, सौंफ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी पीसी हुई है तो उसी हिसाब से हम इसमें लाल मिर्च का यूज करेंगे। आप जितना तीखा पसंद करते हो आप उतना इसमें डाल सकते हो। वैसे भी करेले में डालते हैं तो बहुत ज्यादा तीखा नहीं रखते हैं उसको। इस तरह से पहले सभी मसाले अच्छे से मिला लेंगे इसमें। ये देखिए सभी मसाले हमने मिला लिए हैं इसमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इधर हमने एक ये प्रेशर कुकर भी लिया है तो इसमें हम सबसे पहले नीचे बस एक चम्मच हमने इसमें पानी डाला है। तो अभी हम इस तरह से करेला लेंगे, इसमें बीच में इस तरह से हम हल्का सा मसाला लगाएंगे और एक एक करके करेला हम प्रेशर कुकर में रखेंगे। देखिए सारे करेले हमने इसमें रख दिए हैं। अब हम प्रेशर कुकर बंद करके और मीडियम गैस पे हम इसमें सिर्फ दो सीटी लगाएंगे। अब ये देखिए दो सीटी के बाद में ये करेले हमने निकाल लिए हैं इस तरह से ये प्लेट में, थोड़ा सा ठंडे हो रहे हैं और इधर जो हमने कढ़ाई में ऑयल डाला हुआ था इसको हमने तब तक के गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि अभी हम करेले फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब एक एक करके करेले हम इसमें डालेंगे। गैस को हम पहले एकदम मीडियम कर लेंगे और मीडियम गैस पे ही हमें करेले फ्राई करने हैं। इस तरह से एक एक करके हम चम्मच में लेके इसको साइड से डाल रहे हैं। देखिए एक बार में जितने करेले आसानी से इसमें आ जाएंगे उतने हमने इसमें डाल के तलने हैं। अब इनको हम अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए करेले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं जैसे हमें चाहिए थे। अब ये एक एक करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचे हुए करेले हैं वो भी हम इसी तरह से तल लेंगे। यहाँ पे जैसे एक बार करेला तलने में इसमें कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लगा है तो सेम इसी प्रोसेस से अब हम जो करेले बचे हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं। अभी देखिए करेले हमने फ्राई करके रख लिए हैं सारे और ये अब यहाँ पे मैं सेम ऑयल यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने अभी करेले फ्राई किए थे।
बस इसको हमने एक बार थोड़ा सा छान लिया है ऑयल को, क्योंकि जो करेले हमने फ्राई किए उसमें भी हल्का सा मसाला था, तो फ्राई करते करते नीचे वो काला हो जाता है ना, तो उसको हमने थोड़ा सा छान के हम सेम ऑयल यूज कर रहे हैं। अब इसी ऑयल में, ऑयल क्योंकि ऑलरेडी गर्म है, तो ये जो पेस्ट बचा था अब हम इसको इसमें डाल के भूनेंगे। प्याज और आम और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था, इसे मैं अच्छे से एकदम भून लेना है। देखिए प्याज एकदम अच्छे से भून गई है। अब गैस ऑफ करके इसे पहले हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए प्याज को थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया है, क्योंकि अभी हमें इसको करेले में भरना है तो काफी गर्म थी। अभी देखिए इस तरह से जो भुने हुए करेले हैं, इसमें एक एक करेले में इस तरह से ये प्याज हम पूरी भर देंगे। एकदम अच्छे से हमें फिल कर देना है। मसाले भी ऑलरेडी क्योंकि हमने पहले डाले हुए थे, इसलिए हमने बाद में कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे एक चीज और है, भी जैसे मैंने यहाँ पे कच्चा आम इसमें यूज किया था, तो अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है या आप नहीं पसंद करते हैं, तो आप अमचूर पाउडर डाल के भी इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से करेले में हमने एकदम अच्छे से बिल्कुल फिल कर दिया है और ये करेला बनके एकदम रेडी है। इसी तरह से दूसरा करेला हम लेंगे, उसमें भी ये फिल करेंगे। इस तरह से एक एक करके जितने भी करेले यहाँ पे रखे हुए हैं फ्राई किए हुए, सभी को हम बिल्कुल बराबरी से अच्छे से फिल करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। इस करेले को भी एकदम अच्छे से बिल्कुल फिल कर दिया हमने। इसी तरह से एक एक करके और भी जो ये बचे हुए करेले हैं उनको हम फिल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भरवा करेला बनके रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।